हेलो क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, हम अभी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेने वाले हैं। और एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन, एडजेक्टिव कम्स एंड क्वालिफाइज इट एज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। अब एडजेक्टिव की डिग्री मतलब जो क्वालिफाई कर रहा है वो किस हद में क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कोई सुंदर है तो कितना सुंदर है, बस नॉर्मल सुंदर है, ज़्यादा है, किसी से उसकी कंपैरिजन हो रही है, या बहुत ज़्यादा सुंदर है, या सबसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक, सो फर्स्ट इज़ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब कोई डिग्री ही नहीं होती है, पॉजिटिव डिग्री नो डिग्री। ठीक है, याद रखना, जब आप सिंपली एक सेंटेंस बोल देते हो उसमें एडजेक्टिव का यूज़ कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, व्हाट इज़ पॉजिटिव डिग्री, उसको उसमें बस उसकी यही पहचान है कि उसको आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, वो ज़्यादा कम नहीं होती है, वो बस होती है। कोई सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल, कोई अगली है, ही और शी इज़ अगली। ओके, दिस इज़ क्लीन, दिस इज़ नॉट क्लीन, तो ये सारे जो भी एडजेक्टिव है, आई हैव अ रेड पॉट, जो भी है, तो ये सारे आप जो है वो सिंपल बता देते हो, दिस इज़ रेड, दिस इज़ बिग, दिस इज़ स्मॉल। उसमें कोई डिग्री, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, ना वो कम होता है, ना वो ज़्यादा होता है, बस वो होता है। एक एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है। नाउ कम्स कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स अ नाउन विद अनदर नाउन। ठीक है, कंपैरिजन जो होता है, बट एक चीज़ याद रखना है, कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीज़ों में होता है। दो इंसानों में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इंसानों में होगा, कंट्रीज़ में हो रहा है तो कंट्रीज़ में होगा। ठीक है, अगर आप एक प्लेयर की बात कर रहे हो तो आप प्लेयर की बात प्लेयर से ही करेंगे। अब प्लेयर की बात, प्लेयर को कंपेयर आप किसी मतलब किसी ऐसे लड़के से नहीं कंपेयर करेंगे कि हाँ ही इज़ फास्टर और जो भी है स्मार्टर देन दिस प्लेयर। उसके दोनों के साथ में प्लेयर होना चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों में या एक जैसे इंसानों में होता है, ये याद रखना। ठीक, नाउ कम्स, इसमें हम ER यूज़ करते हैं। अभी हम बताते हैं कि कैसे मतलब क्या रूल क्या होता है यूज़ करने का, बनाने का। नाउ कम्स सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इट्सेल्फ शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव की, व्हेन एन एडजेक्टिव शोज द हाईएस्ट डिग्री, जो अपने टाइप की हाईएस्ट डिग्री जब वो शो करता है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं, ये याद रखना। नाउ रूल्स फॉर्म करने के एडजेक्टिव, मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय EST। ये तो सबको पता है कि ग्रेट में ER लगा के ग्रेटर बना दिया, ग्रेट में EST लगा के ग्रेटेस्ट बना दिया। ठीक है, क्लेवर में ER लगा दिया। सो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का यूज़ करते हैं। दीज आर द वेरी सिंपल रूल्स दैट यू ऑल हैव बीन नोइंग एंड लर्निंग फॉर सो मेनी ईयर्स। आप सब पढ़ रहे हो, आप सबको पता है, बट स्टिल इट्स टेक इट एज रिविजन। एंड सेकेंड, एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ ई फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग आर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग ST। अब देखो, एडजेक्टिव जो ऑलरेडी जिसमें ई आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव जो किसी कॉन्सोनेंट पे एंड होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ER और EST लगाते हैं, कंपैरेटिव के लिए ER, सुपरलेटिव के लिए EST। बट जिसमें पहले से ई आया हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, उसमें आप सिर्फ आर लगाओगे और ST लगाओगे, ई हटा देंगे, मतलब हटाना नहीं है, वो पहले से ही है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन द वेरी सिंपल रूल। एंड नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ Y, चेंज द Y टू I एंड एड ER एंड EST। सो अगर कोई आपका एडजेक्टिव Y पे एंड हो रहा है तो Y हमेशा I में चेंज हो जाता है। याद बस इतना रखना है कि Y हमेशा I में चेंज होता है, उसके बाद में जो भी ER, EST पहले वाला रूल था वही फॉलो होगा। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है बट रूल वही है, ER, EST। चेंज हम किसको कर रहे हैं यहाँ पे, Y को कर रहे हैं। Y को चेंज किस में किया, I में चेंज किया। ठीक है, वट एवर एडजेक्टिव यू फाइंड एंडिंग विद Y, यू हैव टू रिप्लेस इट विद I। गॉट इट। नाउ कम्स एडजेक्टिव विद CVC। अब ये CVC क्या होता है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। ओके, अगर कोई एडजेक्टिव आपको ऐसा दिखता है जो कि कॉन्सोनेंट वोवल फिर कौन, जैसे सैड, सैड में क्या है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमें नोटिस क्या करना होता है, लास्ट के दो वर्ड नोटिस करने होते हैं कि पहले वोवल है फिर कॉन्सोनेंट है, एंड जो है वो कॉन्सोनेंट पे उसके पहले वोवल आया। तो क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो डबल हो जाता है। वेन वी मेक इट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव,
इट डबल्स, ठीक है, द लेटर इट्स एल डबल, वो जो लेटर है वो डबल हो जाता है, जैसे सैड का सैडर हो गया, डबल टी लगा दिया, फिर ई आर ई एस टी सेम है, बिग में जी अगेन कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई वोवेल आए, वो ये दो लेटर आपको देखने होते हैं कि उसके पहले वोवेल आया है क्या, ठीक है। तो हमारा जी जो है वो डबल हो गया, फिर ई आर ई एस टी सेम, फैक्टर भी सेम। नाउ नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव्स विद टू और मोर सिलेबल। अब देखो सिलेबल क्या होते हैं, दो और दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा अगर सिलेबल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उसमें हम उसको डबल ट्रिपल ई आर ई एस टी कुछ नहीं करते, उसको सीधे मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं उसके पहले, ठीक है, कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, ठीक। अब सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल होते हैं जब एक वर्ड में कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाओ, ठीक है, मतलब एक वर्ड में से आप दो वर्ड निकाल सकते हो, उसको हम कहते हैं, तो एक 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 पार्ट को आप कहेंगे सिलेबल्स, ठीक है। क्लास में आप होप की क्लास जल्दी खुली, ये सब चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे आपको, सिलेबल क्या होते हैं, लेटर कैसे फॉर्म होता है, वर्ड कैसे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे केयरफुल, केयर इज़ वन वर्ड एंड फुल इज़ अनदर, सो केयर और फुल को आप अलग अलग कर सकते हो ना, इसमें से कितने निकले, दो वर्ड निकले, तो वो दो वर्ड जो हैं जिसको आप वर्ड कह रहे हो, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबल नॉट वर्ड, उसी को हम कहते हैं सिलेबल, ठीक है। तो इसमें जब भी आपको एक से ज़्यादा सिलेबल दिखे तो आप उसके पहले मोर और मोस्ट लगाएंगे जब बनाएंगे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक। मैग्नीफिशेंट, इसमें मैग्नीफाई होता है ना वर्ड, मैग्नीफाई होता है, उसमें ई एन टी लगा के मैग्नीफिशेंट बनाया गया। करेज होता है ओ यू एस लगा के, इसमें सफिक्स लगा के करेजियस बनाया गया। तो इन सब के पहले मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कुछ एडजेक्टिव, सम एडजेक्टिव फॉलो नो रूल्स, लाइक सम स्टूडेंट्स वो कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं, बड़े बदमाश होते हैं, ठीक है। तो वैसे आपके कुछ एडजेक्टिव भी हैं जो किसी के नहीं सुनते, कोई रूल उनको नहीं फॉलो करना होता है, उसमें से हैं लिटिल, लिटिल को कोई रूल नहीं चाहिए, वो अपने मन का है, वो क्या यूज़ करता है, कंपेरेटिव बनता है तो वो हो जाता है लेस, और जो सुपरलेटिव बनता है तो हो जाता है लीस्ट, ओके। कोई अबव गिवन रूल आर नॉट टेकन बाय दीज एडजेक्टिव्स। मच का क्या हो गया, मोर हो गया और मोस्ट हो गया, ठीक। मच भी एक एडजेक्टिव है, ये याद रखना, मच भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि कंपेरेटिव में मोर हो जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाता है। फार, फर्दर, फर्देस्ट, ठीक है। पहले क्या होता था, फार के लिए ये फार्देस्ट और फार्देस्ट ए वाला लगाते थे, बट अभी क्या है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई मतलब इन मॉडर्न इंग्लिश बोथ आर इन यूज़, दोनों यूज़ करते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि फार में आप ए ही लगाइए फार्दर और फार्देस्ट बनाने के लिए। लेट, लेटर और लेटेस्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपेरेटिव, एंड सून आई विल गिव यू द एक्सरसाइजेस ऑल्सो, ओके। सम कॉमन मिस्टेक विद कंपैरिजन, ये देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं। अवॉइड मेकिंग अ डबल कंपैरिजन, कभी भी अगर आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करो तो उसके साथ में, अगर आपने एडजेक्टिव को कंपेरेटिव बनाया तो आप उसके साथ में कोई और कंपेरेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ आई वॉज मोर हैप्पियर, दिस इज़ रॉन्ग, मोर क्यों लगाया, अब इनसे मुझे पूछना चाहिए मोर क्यों लगाया जब आपने हैप्पियर लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आई वॉज हैप्पियर इन द कंट्री साइड, ठीक है, दैन इन द सिटी। सो हैप्पियर इज करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें हैप्पियर भी और मोर भी है। सेकेंड इज सम एडजेक्टिव सच एज फर्स्ट, लास्ट, इक्वल, यूनिक, हाँ ये मुझे बताना था कि अगर कोई चीज़ खुद में स्पेशल, ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने आप में अब वो शो कर रहा है कि बहुत, जैसे कहते हैं मैग्निफिशेंट, तो मैग्निफिशेंट जब आप फैंटास्टिक, जब आप कहते हो एब्सोल्यूट, अभी आप बोल रहे हैं आपको एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट के साथ मोर एब्सोल्यूट, मोर मोस्ट एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती, एब्सोल्यूट अपने आप में पूरा पूरा हो गया, ठीक है। यूनिक, जब आप बोल रहे हो कोई चीज़ यूनिक है, तो यूनिक को क्या कंपेयर करोगे भाई, यूनिक तो अपने आप में मतलब यूनिक है, सो मोर यूनिक मोस्ट यूनिक हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पे लगाना होता है दिमाग और देखना होता है कि एडजेक्टिव ये कंपैरिजन बनाने लायक है कि नहीं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो अपने आप में एकदम अलग हो, डिफरेंट हो, अलग ही सेंस दे रहे हो, वो उनके जैसा कोई नहीं हो, ठीक है, उस वर्ड्स को कोई कंपेयर ना कर पाए, ऐसे एडजेक्टिव के साथ में हम इनको हम कंपेरेटिव में फॉर्म नहीं करते, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।